हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 3 मशीन पुली। नाउ व्हाट इज पुली? पुली इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन। हम मेनली मशीन चैप्टर में वी हैव टू टाइप्स ऑफ मशीन, सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। इस चैप्टर में हम किस तरह की मशीन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? सिंपल मशीन्स के बारे में। एंड इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक सिंपल मशीन का एग्जांपल लीवर को डिस्कस किया था कि लीवर का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है एंड किस तरीके से उसके टाइप्स होते हैं, जिसमें अलग अलग सीक्वेंस होता है फुलक्रम लोड एंड एफर्ट का, और उसकी वजह से उनका डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसी तरीके से हमारे पास एक नई मशीन है पुली, जिसको आप जानते हैं कि किस तरीके से पुली का यूज़ करके हैवी लोड्स को लिफ्ट किया जाता है। तो पुली इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन एंड इट इज़ यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स। आपका ये पुली का एक मैन्युफैक्चरिंग है कि इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं, फ्रेम होता है, एक्सल होता है, डिस्क होता है, रिम होता है एंड सेंटर पे आपका एक पिन होता है, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग आपसे नहीं पूछा जाता है, आपको मेनली जो पुली है उसमें उस पुली का मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी निकालने के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लीवर के बारे में डिस्कस किया था, तो लीवर में हमने क्या फाइंड आउट किया था? हमने लीवर का, उसमें भी हमारा मोटिव यही था कि हमें मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी निकालना है एंड किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग होने से, स्ट्रक्चर अलग अलग होने से उनके मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है। सेम चीज़ हमने यहाँ पुली के लिए करना है। तो पुली में क्या करते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है एंड इसके जो हुक है, हुक में हैवी लोड्स को होल्ड किया जाता है और उसकी हेल्प से, इस पुली के हेल्प से हैवी लोड्स को लिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मेनली पुली इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन एंड इट इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स। एंड यहाँ पर मेनली हमने तीन तरीके के पुलीज को डिस्कस करना है, अ सिंगल फिक्स पुली, अ सिंगल मूवेबल पुली एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ मूवेबल पुली। हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेने हैं पुली के, कि अगर हमारे पास एक सिंगल पुली है और उसको फिक्स कर दिया है, वो एक पॉइंट पर फिक्स है, ठीक है, वो मूवेबल पुली नहीं है। तो इन केस ऑफ सिंगल फिक्स पुली मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमने देखना है अ सिंगल मूवेबल पुली, कि पुली हमारे पास एक ही है बट नाउ दिस पुली इज़ मूवेबल, मीन्स इसको मूव किया जा सकता है, ये पुली आपका फिक्स नहीं है। एंड थर्ड में देना है, देखना है हमने कि हमारे पास एक से ज़्यादा पुली है, हमारे पास एक से ज़्यादा पुली है एंड ऑल द पुलीज आर मूवेबल, देन हाउ मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी वी विल फाइंड, दैट थिंग वी विल सी हियर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सिंगल फिक्स पुली, सिंगल मूवेबल पुली एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मूवेबल पुली, इन तीनों केसेस में हमने मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है। इनका मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग होने की वजह से इसमें आप में क्या डिफरेंस आएगा वो हमने डिस्कस करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि पुली के मेन तो ये आपके पार्ट्स हैं, फ्रेम है, पिन है, डिस्क है। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में दो नए टर्म्स यूज होते हैं, ब्लॉक एंड टैकर, ब्लॉक एंड टैकर। नाउ व्हाट इज ब्लॉक एंड टैकर सिस्टम? ये सिंगल पुली है, ये उसका फ्रेम है, ठीक है, बट जब हमारे पास एक से ज़्यादा पुली हम लेते हैं तो एक ही फ्रेम में हमारी कई सारी डिस्क क्या होती है, कई सारी पुलीज क्या होती हैं, फ्रेम्ड होती हैं। हमारे पास ये फ्रेम है, इस फ्रेम में अभी सिर्फ एक पुली है, ठीक है, एक डिस्क है, लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज लेते हैं, कई सारी पुली हमारे पास होती हैं, तो कई सारी पुली एक ही फ्रेम में क्या होती है, एक सिंगल फ्रेम रहेगा, इसमें कई सारी डिस्क लगी होंगी, कई सारी पुलीज आपकी अरेंज होंगी, तो जो ये फ्रेम है, दैट फ्रेम इज नोन एज ब्लॉक। एक ही फ्रेम में जब एक से ज़्यादा पुलीज को फिक्स किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं।
एक ही फ्रेम में जब हम एक से ज़्यादा पुलिस को फिक्स करेंगे, एक ही फ्रेम है इसमें हमारा नंबर ऑफ पुलिस हम ले लेंगे, अब एक पुली है फिर दो ले लें या फिर तीन ले लें, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस ले लें, तो उस केस में क्या होगा, आपका साथ ही साथ सारी पुलिस क्या है, मूवेबल है, उन पुलिस को एक ही फ्रेम में फिक्स किया गया है, इस फ्रेम को कहते हैं ब्लॉक, एंड इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक चैन का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, एक चैन का यूज़ करते हैं, एंड उस चैन को कहते हैं टैकल, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में एक ही फ्रेम में कई सारी पुलिस फिक्स होती हैं, तो उस फ्रेम को कहते हैं ब्लॉक, एंड सारी पुलिस को आपस में एक चैन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, एंड उस चैन को कहते हैं टैकल। सो दिस सिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ मूवेबल पुली इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉक टैकल सिस्टम, इसे क्या कहते हैं, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम भी कहते हैं। वजह क्या है, ब्लॉक क्या होता है, आपका फ्रेम होता है जिस फ्रेम में नंबर ऑफ पुलिस को फिक्स किया जाता है, एंड टैकल क्या होता है, टैकल आपका चैन होता है जिस चैन से सारी पुलिस को आपस में कनेक्ट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुली। हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुली हैं, सिंगल फिक्स पुली, सिंगल मूवेबल पुली एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंगल फिक्स पुली में क्या होता है, यह आपका एक पुली है, इसके एक साइड पर आपने लोड को, एक हुक पर लोड को होल्ड किया गया है एंड दूसरे साइड से एफर्ट को अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग है या फिर चैन है, तो इसमें आपका एक टेंशन टी होगा, आपका स्ट्रिंग के केस में जो रिएक्शन फोर्स होता है दैट इज़ नोन एज टेंशन, एंड ये टेंशन आपका टी है, ये एफर्ट है और ये आपका लोड है। इन दिस केस एफर्ट विल बी इक्वल टू टेंशन टी, वाई एफर्ट विल बी इक्वल टू टेंशन टी फॉर अ इक्विलिब्रियम पोजिशन। आपका इक्विलिब्रियम पोजिशन के लिए क्या होता है, एक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू रिएक्शन फोर्स या फिर डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। यहाँ पर देखिए इस साइड में डाउनवर्ड फोर्स क्या ई, अपवर्ड फोर्स क्या टी, सो ई विल बी इक्वल टू टी स्टेबल कंडीशन के लिए। और यहाँ पर देखिए दूसरी साइड, यहाँ पर भी आपका डाउनवर्ड फोर्स क्या एल एंड अपवर्ड फोर्स क्या होगा टी, सो एल विल बी इक्वल टू टी। सो हियर एल एंड ई बोथ आर इक्वल टू टी, दोनों किसके इक्वल है, आपका टी के इक्वल है, सो डी ई विल बी इक्वल टू डी एल। दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर दोनों का वेट सेम है, दोनों का वेट क्या है सेम है, तो फिर दोनों पर डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। अगर हमारे पास दो मास हैं, देखिए मैं ये दो पेन ले रही हूँ, ठीक है, इन दोनों पेन को यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है, दोनों पेन पे अगर फोर्स अमाउंट ऑफ, दोनों पेन पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स को अप्लाई करें, ठीक है, और दोनों का अगर मास सेम है तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा कि नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, ठीक है। अगर दोनों में से एक पेन हैवी है और एक पेन क्या है आपका इससे लाइट है, ठीक है, तो जो हैवी पेन है जिसका लोड ज़्यादा है, जिसका वेट ज़्यादा है, उसका डिस्प्लेसमेंट उतना ही कम होगा। जो चीज़ हैवी होती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कम होता है, जो चीज़ हल्की होती है उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है। ये कॉन्सेप्ट, लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये बेसिक चीज़ है कि जो चीज़ जितनी भारी होगी उसका सेम अमाउंट, दो चीज़ें हमारे पास है, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस बॉडी का वेट ज़्यादा होगा, जो जिस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा या मास ज़्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कम होगा, एंड जिस ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। हल्की चीज़ में डिस्प्लेसमेंट आराम से हो सकता है, ज़्यादा होता है, एंड भारी चीज़ में डिस्प्लेसमेंट कम होता है। ये लॉजिक आपको समझना है, ठीक है, इस जनरल है, लॉजिक है कि ये तो ऑब्वियसली पता है कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तो भारी चीज़ को हम कम डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, और जो चीज़ हल्की होगी उसका डिस्प्लेसमेंट आसानी से हो जाता है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ भी आगे अप्लाई करना है, इसको अपने माइंड में लेकर चलिएगा। अब देखिए ई और एल का वैल्यू क्या सेम है, ई एंड एल का वैल्यू सेम है, टी के इक्वल, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ई विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एल, क्योंकि दोनों का वेट सेम है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, सेम होगा।
ठीक है, हमने डी ई डिस्प्लेसमेंट ऑफ ई इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एल क्यों लिया है, क्योंकि दोनों का वेट क्या है, सेम है। ये आपका यहाँ पे एक हैवी वेट है, आपका लोड है, और दूसरी तरफ से आप इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं, क्योंकि आपका एफर्ट का जो अमाउंट है और जो लोड का अमाउंट है दोनों सेम हैं, तो जितना डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरफ होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट लोड का ऊपर की तरफ होगा। जितना वैल्यू आपका, देखिए आपने यहाँ पर एफर्ट अप्लाई करके इसको इस तरफ करेंगे, लाएंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए डी ई हो गया, ठीक है। तो जितना आप इसको इस तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन लाएंगे उतना ही लोड आपका ऊपर जाएगा, इतना ही आपका डी एल का वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का देखिए वैल्यू सेम है, ई इज इक्वल टू एल एंड बोथ आर इक्वल टू टी, बिकॉज ई इज इक्वल टू एल सो डी ई विल बी इक्वल टू डी एल, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अगर इसका वेट में डिफरेंस होता है तो डिस्प्लेसमेंट में भी डिफरेंस आता है। तो पहली बात, मशीन के मैन्युफैक्चरिंग से कॉन्सेप्ट से हमें क्या समझ में आया है, ई विल बी इक्वल टू टी, कैसे हुआ, डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स एंड एल विल बी इक्वल टू टी, सो ई विल बी इक्वल टू टी विल बी इक्वल टू एल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ई एंड एल विल बी सेम, डी ई विल बी इक्वल टू डी एल। नाउ व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एम ए इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई ई, एम ए इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई टी, एल इज इक्वल टू टी एंड ई इज इक्वल टू टी, एल की जगह पर टी पुट करा है, ई की जगह पर भी टी पुट करा है, टी एंड टी विल बी कैंसिल आउट एंड मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इक्वल टू वन। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या आ गई है, वन आ गई। क्यों? हमने जो भी केसेस देखेंगे तीनों केसेस में हमने क्या करना है, पहले ई एल डी ई और डी एल इनके बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करना है, उसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फॉर्मूला है एल बाई ई, वेलोसिटी रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है, डी ई बाई डी एल एंड एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला है एम ए बाई वी आर। तो पहले हमें क्या निकालना है, हमें मशीन का अगर मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी निकालना है तो पहले हमें निकालना है वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ ई, वैल्यू ऑफ डी ई एंड वैल्यू ऑफ डी एल। हमें हमारे पास जब ये वैल्यूज रहेंगी तभी हम इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो विल बी इक्वल टू डी ई बाई डी एल फॉर्मूला होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग, ये स्ट्रक्चर जो है इसका, ये जिस तरह का इसका मैन्युफैक्चरिंग है, डी ई इज इक्वल टू डी एल, तो यहाँ पे डी ई और डी एल दोनों की इक्वल वैल्यू सेम है, सो वेलोसिटी रेशियो विल बी इक्वल टू वन, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, डी एल की जगह पर हम डी ई पुट कर देंगे, डी ई एंड डी ई विल बी कैंसिल, देन आंसर विल बी वन। यहाँ से वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। नाउ व्हाट विल बी एफिशिएंसी ऑफ दिस सिंगल फिक्स पुली, एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला क्या होते हैं, हमने रिलेशन निकाला था मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी के बीच में, एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू एम ए बाई वी आर, एम ए की वैल्यू कितनी है, वन, डिवाइडेड बाई वी आर की वैल्यू कितनी है, वन, वन डिवाइडेड बाई वन वैल्यू क्या आएगा, वन, एंड इन परसेंटेज इट विल बी इक्वल टू, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यू उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 100 दैट विल बी 100, 100 परसेंटेज आप इसको परसेंटेज में लिखेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 100%, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, ये 100% है बट इट इज़ एन आइडियल कंडीशन। ये सिंगल फिक्स पुली की एफिशिएंसी कितनी होती है, 100% होती है, बट इसके लिए ये आइडियल कंडीशन है। प्रैक्टिकली हमारे जनरल लाइफ में जब आप किस तरह की पुली का यूज़ करते हैं तो 100% एफिशिएंसी किसी भी मशीन की अभी तक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है, ये एक आइडियल कंडीशन है। ओके, नाउ वी विल सी सिंगल मूवेबल पुली। देखिए फिक्स पुली में ये पुली को फिक्स किया गया था, लेकिन मूवेबल पुली में क्या है, देखिए आपका ये एक तरफ से चैन है, एक तरफ से आपका ये स्ट्रिंग है, और इसको पुली के दूसरे साइड ही अपवर्ड डायरेक्शन में ही, इसमें आपका देखिए एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, एफर्ट आप अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, एफर्ट आपका देखिए इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, इसमें एफर्ट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में ही अप्लाई हो रहा है। ओके, एफर्ट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तो देखिए यहाँ पर आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं ई को, ठीक है, और यहाँ पर आपका टेंशन टी होगा, देखिए इसका डायरेक्शन ये गलत दिखा है, टेंशन टी का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है,
क्योंकि ये स्ट्रिंग और ये है ना, तो इसके फिक्स पॉइंट, इसके लिए ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा, तो यहाँ से ये इसके है, तो टेंशन टी का ही हो जाएगा भाई। यहाँ पे आपका टेंशन क्या हो गया, टी हो गया है। एंड फॉर इक्विलिब्रियम दिस टी विल बी इक्वल टू ई, यही जो टेंशन यही क्या हो जाएगा आपका ई के इक्वल होगा, ई विल बी इक्वल टू टी। एंड नाउ व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस एल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपका टी है, यहाँ पर भी आपका टी है, यहाँ पर भी टेंशन क्या है टी है, यहाँ पर भी टेंशन टी है। सो एल विल बी इक्वल टू आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या है, डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, देखिए एल विल बी इक्वल टू टू टी, यहाँ पे एक एफर्ट का फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक यहाँ पर भी टी है, दो टी है यहाँ पे, एक ही एफर्ट वाला टी है और एक यहाँ पे जो यहाँ पे इस पॉइंट पे इस स्ट्रिंग पे टी है, दो टी है ना। सो दिस एल विल बी इक्वल टू टू टी, एफर्ट विल बी इक्वल टू टी बट दिस एल विल बी इक्वल टू टू टी, एफर्ट विल बी इक्वल टू टी। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ गया है टी, एंड एल की वैल्यू कितनी है टू टी, मीन्स आपका लोड एफर्ट का टू टाइम्स है, लोड एफर्ट का क्या है टू टाइम्स है, और लोड एफर्ट का टू टाइम्स है इट मीन्स लोड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एफर्ट का हाफ होगा, वो एफर्ट का कितना होगा हाफ होगा। क्यों, जो चीज़ हैवी है उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, अगर ये टू टाइम्स हैवी है तो डिस्प्लेसमेंट इसका हाफ होगा, तो टू से डिवाइड कर दिया गया है, ये समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे L इज इक्वल टू टू टी, एल इज टू टाइम्स ऑफ E, सो DL विल बी हाफ ऑफ द E, जो चीज हैवी है उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, अरे जितनी टाइम हैवी है उसका डिस्प्लेसमेंट उतने ही टाइम कम होगा। तो यहाँ से हमें L, E और DL DE की वैल्यू निकल आई है, मिल गई है E इज इक्वल टू T, L इक्वल टू टू टी एंड DL इक्वल टू DE बाई टू। नाउ व्हाट विल बी मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एल बाई ई, एल की वैल्यू क्या है टू टी डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू क्या है टी, टू टी डिवाइडेड बाई टी, आंसर विल बी टू। सो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिंगल मूवेबल पुली विल बी इक्वल टू टू। नाउ व्हाट विल बी वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डी ई बाई डी एल, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो लोड का है वो एफर्ट का क्या है हाफ है, डी ई बाई टू है, सो यहाँ पर डी एल की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे डी ई बाई टू, तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी रेशियो के लिए आंसर क्या आ गया, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू टू, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू टू। एम ए इज इक्वल टू टू, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू टू, देन व्हाट विल बी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए बाई वी आर, एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला क्या है एम ए बाई वी आर टू डिवाइडेड बाई टू, आंसर विल बी वन, इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 100%, बट ये आपका एक आइडियल कंडीशन है। ठीक, क्या ये आपका ये आइडियल कंडीशन है। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में देखिए सिंगल पुली है ये आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में क्या होगा आपका एक ही फ्रेम में नंबर ऑफ पुलिस को कंबाइन किया जाएगा एंड उस फ्रेम को कहते हैं ब्लॉक, एंड सारी पुलिस को आपस में एक चैन के जरिए आपस में कनेक्ट किया जाएगा, दैट इज नोन एज टैकल, एंड सो इट इज कॉल्ड ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या कंसिडर कर रहे हैं, इसमें आपकी दो पुली भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है, फाइव नंबर ऑफ पुलिस भी हो सकती है। तो आपको एक जनरल फॉर्मूला बता रहे हैं, इफ़ देयर विल बी एन नंबर ऑफ पुलिस, हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारे एक ही फ्रेम में एन नंबर ऑफ पुलिस हैं, ऑन दैट केस ई की वैल्यू आपका टी के ही इक्वल होगी, वैल्यू ऑफ ई विल बी इक्वल टू टी, ई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसका स्ट्रक्चर इसका डायग्राम आपका बुक में बना हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये दो टॉपिक समझ में आ गए हैं तो उसमें आपके सेम चीज़ रहेगा, एन नंबर ऑफ पुलिस रहेंगे जो आपस में एक दूसरे के से कनेक्टेड रहेंगी, एंड लास्ट में आपका ई का वैल्यू आप देखेंगे ई की वैल्यू टी के ही इक्वल आएगी, जिस तरह से इस डायग्राम में आई है, ई विल बी इक्वल टू टी एंड एल विल बी इक्वल टू एन टी एंड एल विल बी इक्वल टू एन टी। If there will be n number of pulleys, so L will be equal to n T. T क्या है टेंशन, n number of pulleys है,
अगर आपके सिस्टम में 5 पुलीज होंगी तो आपका एल का वैल्यू होगा 5t। आपको इस जनरल फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ पुलिस कितनी है। सो ई विल बी इक्वल टू टी, एल विल बी इक्वल टू एन टी, एंड इफ एल विल बी इक्वल टू एन टी सो डी एल विल बी इक्वल टू डी ई बाई एन। आपका अगर एल एफर्ट का एन टाइम्स ग्रेटर है सो आपका जो एल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो एफर्ट के डिस्प्लेसमेंट का एन टाइम्स लेसर होगा। एन टाइम्स एन से आप इसको डिवाइड करेंगे, आपका ये वैल्यू, अगर मास आपका वेट जितना ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट उतना ही कम होगा। तो अगर आपका L इज इक्वल टू एन टी सो डी एल विल बी इक्वल टू टी ई बाई एन। ये रिलेशन सेम आपका सिंगल मूवेबल पुल्ली में, वहाँ पे आपका L का वैल्यू 2t था तो डी एल की वैल्यू डी ई बाई 2 था। अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ पुलिस में अगर आपके 5 पुलिस होंगे या फिर 3 पुलिस होंगे तो L की वैल्यू कितना हो जाएगा, L विल बी इक्वल टू 3t। 3 पुली हैं अगर आपके सिस्टम में देन L विल बी इक्वल टू 3t एंड डी एल विल बी इक्वल टू डी ई बाई 3। एन क्या है, नंबर ऑफ पुलिस है, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे और आपका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नो एम ए इज इक्वल टू एल बाई ई सो इट विल बी इक्वल टू एन टी डिवाइडेड बाई टी, आंसर विल बी एन। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डी ई बाई डी एल, डी ई डिवाइडेड बाई डी एल की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दिया डी ई बाई एन, आंसर विल बी एन। नाउ व्हाट विल बी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए बाई वी आर एंड एम ए इज इक्वल टू एन, वी आर इज इक्वल टू एन सो एफिशिएंसी ईटा विल बी इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन, इट विल बी इक्वल टू 1, इट मीन्स 100%। तीनों केसेस में आपका एफिशिएंसी कितना आया है, 100% आया है। बट आपको ये ध्यान रखना है ये आपका एक आइडियल कंडीशन है, प्रैक्टिकली किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर 4। थैंक यू।